लॉजिक, विजडम, तर्क बुद्धि, वेयर रीजन इज नॉट लॉस्ट, द फ्लो ऑफ रीजन, द रिवर ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट इन द डेड हैबिट्स। आदमी हमेशा तर्क बुद्धि से काम करे और आदमी की जो तार्किकता है ये सूख न जाए एक रेगिस्तान में, वो रेगिस्तान विच इज फॉर्म्ड बाई डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स मीन्स यूजलेस ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, इलॉजिकल बिहेवियर्स, बेसिर पैर की कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कई बार आदमी का दिमाग उनसे हार जाता है। ऐसा उस जगह पर न हो। मीन्स पीपल ऑफ माई कंट्री शुड बी एबल टू लीव बिहाइंड द डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स, इट शुड मेक इट सेल्फ फ्री फ्रॉम द ओल्ड यूजलेस ट्रेडिशंस। पुराणपंथी वाली जो बातें हैं, पुरानी परंपराओं की जो गलत बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, उस रेगिस्तान में आदमी का लॉजिक, आदमी का रीजन सूख न जाए, आदमी का जो साइंटिफिक टेम्पर है वो ख़त्म ना हो। इसको सिंपल कह सकते हैं कि इट शुड बी अ प्लेस वेयर द माइंड ऑफ मैन इज फ्री फ्रॉम द बाइंडिंग ड्राई ट्रेडिशंस, ऑल द वी कैन से यूजलेस ट्रेडिशंस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ माई पीपल, एंड दस दे शुड बी फ्री टू यूज देयर माइंड, टू यूज द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन एवरीथिंग। इफ एनीथिंग दैट इज अनसाइंटिफिक, दैट इज यूजलेस, दैट इज इलॉजिकल, दैट इज जस्ट लाइक जादू टोना, दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई दैट सोसाइटी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, माई कंट्री शुड बी अ प्लेस वेयर द माइंड ऑफ माई कंट्री, द माइंड ऑफ पीपल ऑफ माई कंट्री, द माइंड ऑफ माई सोसाइटी, मेरे उस समाज का, उस देश का दिमाग जो है, सोच जो है, इट इज ऑलवेज लेड फॉरवर्ड बाई दी, दी मीन्स बाई यू, एड्रेस टू गॉड, इट इज ऑलवेज गाइडेड बाई यू, तू हमारा मार्गदर्शन करे, तू हमारी सोच का, विचार का मार्ग प्रशस्त करे, कहाँ पर, इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ऑलवेज इन न्यू आइडियाज एंड इन न्यू एक्टिविटीज, यू गाइड अस, यू गाइड अवर माइंड, यू गाइड अवर इंटेलेक्ट टूवर्ड्स न्यू डिस्कवरीज, टूवर्ड्स न्यू एक्टिविटीज, टूवर्ड्स न्यू आइडियोलॉजी, टूवर्ड्स न्यू आइडियाज, तू हमारा रहनुमा रहे, हमारा मार्गदर्शक रहे, और इस तरह से नई नई बातों की तरफ, नई नई सोच की तरफ, नई नई कार्यों की तरफ हमारे दिमाग का विकास करता रहे। ये सारी बातें जहाँ पर होती हो, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर ओ माई गॉड लेट माई कंट्री अवेक, वेन माई कंट्री अवेक फ्रॉम दिस स्लीप ऑफ डिपेंडेंस, वेन माई कंट्री ओपन्स इट्स आइज आफ्टर दिस लॉन्ग स्लीप ऑफ dependence, after this long sleep of foreign rules, then the world in which my country opens its eyes should have all these qualities. जब गुलामी खत्म हो, मेरा स्वतंत्र देश अपने नए जीवन के लिए आँखें खोले, तो उस समय इस तरह का वातावरण, इस तरह की परिस्थितियाँ मेरे देश में होनी चाहिए। ये मेरी विनती है तुमसे, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे, that heaven of freedom should be the home of my country। तो इस तरह से इस पूरी प्रार्थना में उन्होंने क्वालिटीज़ बताई है, जिन जिन क्वालिटीज़ की वो डिमांड करते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर से कि ये सारी क्वालिटीज़ मेरे देश में होनी चाहिए जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करें। और हम देख सकते हैं कि अगर इन गुणों के बिना कोई देश स्वतंत्र होता है तो वो फिर विकास नहीं कर पाएगा, वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में यही वो चैलेंजेज हैं, यही वो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, जिनका समाधान स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के नेताओं ने करने की कोशिश की है, कुछ दूर हुए हैं, कुछ अभी भी है। तो हमारे भी ये दायित्व बनता है कि हम इन सब चीज़ों को, इन सब परिस्थितियों को, ऐसे वातावरण को हमारे देश में निर्मित करें जहाँ सोचने विचारने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए उपलब्ध हो, जो भी पढ़ना लिखना चाहे उसको अवसर मिले, जहाँ पर
सब आपसी भाईचारे से एक परिवार की तरह रहते हो, आपस में बांटने वाली जितनी भी दीवारें हैं वो सब दीवारें गिर गई हो, जहाँ हर एक आदमी अपना काम करे, अपने काम से प्रेम करे और उस काम में परफेक्शन लेने की कोशिश करे, जहाँ आदमी की तार्किक बुद्धि किन्हीं अंधविश्वास से या दक्यानुसी वाले विचारों से कहीं पर भी बाधित न हो, और जहाँ ईश्वर हमेशा हमारा मार्गदर्शक रहे और हमें और नए से नए काम करने के लिए, नए से नए अच्छे विचार दिमाग में लाने के लिए प्रेरित करता रहे, ऐसी दुनिया में मेरे देश की आँख खुले जब वो स्वतंत्र हो। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म या ये जो जाति धर्म इनके आधार पर जो हमारा भेदभाव होता है, सोशलिज्म की दीवार या गवर्नमेंट की दीवार? तो यहाँ पर सबसे सही है कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यही वो दीवारें हैं जो हमारे देश को अलग अलग भागों में बांटती है। दीज आर द ब्रेकिंग फोर्सेज, फॉल्ट लाइन्स विच कैन ब्रेक अवर कंट्री। What does the word "thee" in the line where the mind is led forward by "thee" stand for? यहाँ जो "thee" शब्द है इसका क्या मतलब है? तो "thee" का मतलब होता है यू, पुरानी अंग्रेजी में ये था दाओ, "thee" इस तरह से इसके शब्द चलते हैं, जैसे आजकल हम यू और योर कहते हैं। तो "thee" का मतलब है यू। यू किसको कहा गया है? द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, द एम्परर, राजा को, द हेड ऑफ फैमिली, द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑलमाइटी गॉड। The line where the words come out from the depth of truth means, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आई इसका क्या मतलब है? Where the people are truthful, लोग जहाँ पर सच्चे हों। The poet prays to God, ईश्वर से वो क्या प्रार्थना करता है? आप ये चारों इसके ऑप्शन पढ़िए। सी इसका सबसे सही जवाब है, टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी फॉर द मदरलैंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मदरलैंड तक ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी ऐसी प्रार्थना हो सकती है। इसके आगे जो क्वेश्चंस है, व्हाट अकॉर्डिंग टू टैगोर आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट द लैंड ऑफ फ्रीडम शुड हैव, ये आपको अपने आप करके और मुझे दिखाना है। ये पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसका, और इससे अगले पन्ने पे चलिए, पांचवा क्वेश्चन। तो पहला, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन इस सेक्शन का आप मुझे करके दिखाएंगे, और फिर बिल्कुल लास्ट पांचवी यूनिट में क्वेश्चन है, हेवन ऑफ फ्रीडम इज एन एक्सट्रीमली थॉटफुल पोएम, व्हाट आर द पोएट्स थॉट्स एंड हाउ आर दे एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। ये एक तरह से इस पोएम की पूरी समरी है, आप इसको पोएम को पैराफ्रेज करें और इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों कवि ऐसा चाहता है, ये भी आप मुझे बताइए। तो इस तरह से छोटी सी हमारी पहली कविता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोविड के दिन हैं, ज़्यादा अनावश्यक रूप से बाहर निकलना नहीं है हमें, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, और सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, इन सब चीज़ों का मैं लगातार रेगुलरली पालन करना है। थैंक यू।